Zabt and Zamindars. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. जो मुगल रूलर्स का सोर्स ऑफ इनकम था वो था जो भी वहाँ की लोकल पब्लिक है अगर वो कुछ उत्पादन करती है तो उसके ऊपर जो वो टैक्स लगाते थे उससे जो इनकम होती थी वही मेन सोर्स था उनका. इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफटेन. बहुत सारी जगहों पे जो लोकल पब्लिक थी वो टैक्स देती थी उन लोगों को जो कि राजा के यहाँ से ही चुने गए थे यानी कि वहां के हेडमैन या यहाँ वहां के जो लोकल चीफटेन्स थे. द मुगल्स यूज द टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएटरीज वेयर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफटेन्स. जो मुगल्स थे उन्होंने एक टर्म दे रखी थी जमींदार. हर एक को जमींदार बोला जाता था जितने भी वहां पर जो उनके हेडमैन थे या जो ताकतवर उनके चीफटेन्स थे चाहे वो लोकल हो गांव में रहते हो कोई भी हो उन सबको एक नाम दिया गया था जमींदार. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स प्राइसेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर अ 10 पीरियड. अकबर के जो टैक्स मिनिस्टर थे टोडरमल उन्होंने क्या किया एक बहुत अच्छे से ध्यान से सर्वे किया कि जो फसल है वो कब पैदा होती है उसके क्या प्राइसेस हैं कौन सी एरिया में बोई जाती है और ये सब उन्होंने 10 साल तक किया. ऑन द बेसिस ऑफ हिज डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. अब इन्हीं के ये जो डेटा था उसी के बेसिस पर टैक्स जो है वो फिक्स किया जाता था कि हर क्रॉप पे हर फसल पे कितना कैश देना है या कितना कैश जो है वो टैक्स की फॉर्म में उन्हें देना है. ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स. हर राज्य जो है उसको छोटे छोटे टैक्स सर्कल्स में डिवाइड किया गया था और हर एक में जो है उसका एक रेवेन्यू जो है या टैक्स का रेट था हर एक की इंडिविजुअल क्रॉप के अकॉर्डिंग. दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त. इसको जो है जब्त बोला जाता था. इट वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स. ये ज्यादातर उन एरियाज में खास तौर से था जहां पर जो मुगल के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो लैंड का निरीक्षण या सर्वे करते थे और फिर उसका बहुत ध्यान से उसके अकाउंट्स को बैलेंस करते थे. दिस वाज नॉट पॉसिबल इन द प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल. पर जो गुजरात या बंगाल के राज्य थे वहां ये सब पॉसिबल नहीं था. इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर. बहुत से एरिया ऐसे थे जहां पर जमींदारों के पास बहुत सारी पावर्स थी. The exploitation by the Mughal administrators could drive them to rebellion. और मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स की वजह से जो है कई बार उनका जब क्या कहते हैं शोषण होता था तो वो लोग जो है एकदम से रिवोल्ट कर देते थे. Sometimes जमींदार्स and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. कई बार ऐसा भी होता था कि जो लोकल एरिया के जो जमींदार थे या वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी एक ही जाति के वो सब एक साथ मिलके मुगल अथॉरिटी के खिलाफ आंदोलन कर देते थे. These peasants' revolts challenged the stability of Mughal Empire from the end of the 17th century. और यही जो लोगों का revolt था, इसकी वजह से जो मुगल सल्तनत थी, उस वो एक तरह से कहना चाहिए 17th century तक आते-आते जो एक बिल्कुल stable Mughal Empire चल रही थी, अब वो धीरे-धीरे उसकी stability जो है, वो कम होती जा रही थी. Akbarnama and Aane Akbari. Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write A history of his reign. अकबर जो थे उन्होंने अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे और साथ में उनके राजदरबारी भी थे वो अबुल फजल उनको कहा कि तुम हमारे इस शासन के इतिहास को लिखो. अबुल फजल रोट अ 3-volume हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल अकबरनामा. फिर अबुल फजल जो थे उन्होंने 3 volumes में अकबर के राज्य को लिखा उसकी पूरे इतिहास को लिखा और जिसको नाम दिया अकबरनामा. The first volume dealt with Akbar's ancestors and second volume recorded the events of the Akbar's reign. Pehla volume jo nikala usme zyada tar Akbar ke jo purkhe the unke bare mein tha. Dusra volume jo tha usme Akbar ke rajya mein kya kya hua uske bare mein tha. The third volume is the Aane Akbari. Teesra volume jo tha wo Aane Akbari tha. It deals with the Akbar's administration, household, army, revenues एंड ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर. और इस आने अकबरी में क्या था कि अकबर का शासन कैसा था उनका रखरखाव कैसा था उनकी सेना कैसी थी टैक्स सिस्टम क्या था
या उनके जो एम्पायर थी उसका पूरा का पूरा नक्शा कैसा था. इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया. और उस किताब में इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में जिक्र किया है जो भी ट्रेडिशन या कल्चर उस समय जो लोग फॉलो करते थे इंडिया में रह के उसके बारे में. द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट आनी अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट द थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स यील्ड्स प्राइसेस वेजेस एंड रेवेन्यूज. जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था आनी अकबरी का वो था उन डिटेल्स के बारे में कि वहाँ पर किस तरह के भिन्न प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, क्या क्या पैदावार होती है, कैसे रेट्स हैं, क्या क्या जो है लोगों की तनख्वाहें हैं और वहाँ का टैक्स सिस्टम्स कैसे हैं. अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज. द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलैबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक द अकबर नामा इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आनी अकबरी. जो भी मुख्य फीचर थे उनके शासन के जो भी अकबर के राज्य में हुए उसको खास तौर पे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है अबुल फजल ने अपनी बुक अकबरनामा में. और खास तौर से जो तीसरा वॉल्यूम है आनी अकबरी उसमें बहुत अच्छे से उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है. अबुल फजल एक्सप्लेन्ड दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज गवर्न्ड बाय द सूबेदार हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस. अबुल फजल ने इसमें बताया कि जो पूरी राज्य था उनका वो डिवाइडेड था छोटे छोटे राज्यों में जिसको कहते थे सूबा, और हर एक सूबे का एक सूबेदार था जो कि वहां के राजनीतिक और मिलिट्री फंक्शंस जो थे उन सबको करता था. ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. हर प्रोविंस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर था जिसको हम दीवान भी कहते हैं. For the maintenance of peace and order in his province, the Subedar was supported by the officers. अब अपने उस राज्य की शांति और एकता बनाए रखने के लिए वहाँ के रूल्स को फॉलो करें उसके मेंटेनेंस के लिए हर सूबेदार को जो है सपोर्ट होता था और ऑफिसर्स का, जिसमें कौन कौन से ऑफिसर्स थे, मिलिट्री पे मास्टर यानी बख्शी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोनेज सदर, मिलिट्री कमांडर फौजदार एंड द टाउन ओन पुलिस कमांडर कोतवाल. कौन कौन थे, बख्शी होते थे जो कि मिलिट्री पे मास्टर थे, सदर जो कि रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज को देखते थे, तीसरे थे मिलिट्री कमांडर्स जिनको फौजदार कहते हैं, और वहां की जो पुलिस कमांडर थे उस एरिया के एक टाउन के जिनको कि कोतवाल कहते हैं. इन सबके सपोर्ट से उनके पूरे सूबे का जो है वो पीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्डर बना रहता था. नूर जहांस इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट. अब मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूर जहान. मेहरुनिसा जो थी उनकी शादी हुई जहांगीर से 1611 में और उनको फिर टाइटल दिया गया नूर जहां. शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार. वो जो है हमेशा बहुत ही ईमानदार और सपोर्ट करती थी अपने इस शासन को. एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्टक सिल्वर कॉइंस बियरिंग हिज ओन टाइटल्स ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर इंस्क्रिप्शन स्टक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूर जहां. अब इसी को और इज्जत बख्शने के लिए जहांगीर जो थे उन्होंने क्या किया, सिल्वर कॉइंस बनवाए जिसमें उन्होंने अपना टाइटल एक साइड लिखा और दूसरी साइड इंस्क्राइब किया क्वीन बेगम नूर जहां. The adjoining document is an order of Noor Jahan. ये जो बगल में एक पेपर की इमेज दी हुई है ये एक तरह से डॉक्यूमेंट था, एक फरमान था जो कि नूर जहान का था. The square steel estates command of a most sublime and elevated majesty Noor Jahan Padshah Begum. ये जो square steel है ये state करती है उनकी उस command को जो सबसे ज्यादा एलिवेटेड थी और सबलाइन थी जो भी नूर जहां बेगम थी उन्होंने इस स्टील को लगाया है. जो राउंड स्टील थी उसका क्या मतलब था, बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून. अच्छा उन्होंने ये बताया कि जो शाहजहां हैं या शाह जहांगीर जो हैं वो जो हैं सूरज हैं तो मैं जो हूं उन्हीं के जैसे चांद हूं. मे नूर जहां पदशाह बी द लेडी ऑफ द एज. और ये जो नूरजहां थी
ये अपने जमाने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेडी मानी जाती है।